friends, welcome to PSM Learning Zone. The topic which I am going to discuss today that is most important for parents like me. You know what the topic is? The topic is about the future of our kids. Are we providing a better parenting to our kids? क्या हमारे बच्चे को पढ़ाई की समझ आ रही है? हमारे बच्चे की थिंकिंग स्किल्स कैसी हैं? इनोवेटिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारे बच्चे के भविष्य को डिफाइन करेंगी। ये सब चीजें हमारे बच्चे के भविष्य का बेस बनेंगी। क्योंकि अगर हमारे बच्चे को ये सब चीजें समझ नहीं आई, अगर हमारे बच्चे की सोच अच्छी नहीं हुई, तो आगे चल के उसका जो फ्यूचर है वो हम साफ सिक्योर नहीं फील कर सकते। सो हियर आई हैव गैदर्ड सम पॉइंट्स फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने वो वाले पॉइंट्स अपनी बेटी पे भी अप्लाई किए हैं एंड आई एम प्राउड टू से टुडे दैट आई एम अ हैप्पी मदर। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द स्टेप्स विद यू ऑल्सो। सो प्लीज इन सब स्टेप्स को लास्ट तक जरूर देखें, शायद कोई टिप आपके लिए भी फायदेमंद हो। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स विद यू। सो माय फर्स्ट टिप इज गिव योर चाइल्ड अ स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी एनवायरनमेंट। बिकॉज अगर हमारा बच्चा एक खुशहाल माहौल में ग्रो करेगा तो तभी उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे ढंग से होगी। और अगर हम उनके सामने लड़ेंगे, झगड़ेंगे या घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो उनके नाजुक से मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज हार्श वर्ड्स विद योर किड्स। रिमेंबर द वर्स्ट दे फील, द वर्स्ट दे बिहेव। द थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज एप्रिशिएट योर लिटिल वंस। रिमेंबर एवरी चाइल्ड इज यूनिक, सो ट्राई टू एक्सप्लोर देयर माइंड। माय फोर्थ पॉइंट इज एंगेज योर किड्स विद डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग एटसेट्रा। आप उनको स्कूल की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करवा सकते हो क्योंकि इनसे उनका जो उनकी काबिलियत है वो और निखर के आएगी। बट यहाँ पे प्राइज अचीव करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे की अच्छी प्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन। बट ऐसा करते हुए आप अपने बच्चों का कंपैरिजन बाकी बच्चों के साथ मत कीजिए। दिस विल हार्म देम। आस्क योर लिटिल टॉडलर्स टू कनेक्ट विद द अलमाइटी, द सुपर पावर गॉड, वाहिगुरु जी। और अपने बच्चों को भगवान की दी हुई ब्लेसिंग्स के बारे में भी ज़रूर बताएं। माय नेक्स्ट पॉइंट इज लेट देम नो अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सेक्रीफाइस बिकॉज इट विल हेल्प देम टू नो अबाउट देयर ड्यूटी टुवर्ड द नेशन। कंपीट योर वर्ड्स इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, इट विल इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। Teach your kids extra educational activities. इससे उनकी जनरल नॉलेज तो बढ़ेगी, साथ ही साथ रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स भी बेटर होंगे। Teach your kids to clean their surroundings because it will build cleaning skills in them. And the most important thing, when they help you, don't forget to appreciate them
because this thing will inspire and motivate them to do it again. So, उनकी तारीफ कीजिए बाकी फैमिली मेंबर्स के सामने कि आज मेरे बच्चे ने ये अच्छा काम किया है मेरे साथ. बूस्ट अप देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, बिकॉज कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है. तो अपने बच्चे के साथ उसकी फेवरेट जो गेम्स हैं वो खेलें, उसको एक्सरसाइज करवाएं, उससे योगा करवाएं, एटसेट्रा. स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, उनके साथ छोटी छोटी कुछ अलग तरह की गेम्स खेलें जिससे उनकी इनोवेशन बढ़े, और उनकी बातों को ध्यान से ज़रूर सुने क्योंकि हर एक दिल कुछ कहता है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी. हिंदी में एक कहावत है, होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पाल. तो आइए अपने छोटे से पौधे को इस ढंग से सींचें कि वो एक खुशहाल, एक घनी छांव वाला फलदार पेड़ बन सके और जिसकी जो ठंडक है वो पूरे दुनिया में फैले. फ्रेंड्स, मुश्किलें सबकी लाइफ में होती हैं, मेरी भी है, आपके भी होंगी, पर बात तब बनती है जब हम उन मुश्किलों का सामना करके उन पे जीत हासिल करें. तो हारना ना खुद है, ना अपने बच्चों को हारना सिखाना है. हर एक मुश्किल का सामना डट कर करना है. सो बाय फॉर नाउ, हैव अ वंडरफुल डे.